बहुत बढ़िया लगी। सब सब बढ़िया है, बहुत टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा है कि बहुत अच्छा बजट एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ मिला है, तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल के आया है जो सबको देखनी चाहिए। सब पहली बार आलिया एक्शन करते हुए नजर आई थी, हाउ इज इट? आलिया भट्ट बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, मतलब मैं तो उनका फ़ैन बहुत पहले, मतलब मैं टू स्टेट्स देखी थी तब से उनका फ़ैन हूँ। तो एक्शन नहीं किया था ये ना, एक्शन भी देख लिया तो बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया। स्टोरी लाइन आपको कैसी लगी? स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, उसमें इमोशनल हुक है, भाई बहन की कहानी है, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी लेकिन बहुत खतरनाक तरीके से दिखाई गई स्टोरी है। बहुत मजा आई, पैसा वसूला। फिर से दिलजीत और आलिया का आवाज़ सुनने को मिला था। हाँ, पंजाब, ये इसमें गाने भी बहुत अच्छे हैं, वेदांग रैना जी के भी गाने बहुत अच्छे लगे मुझे, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, प्रेजेंस अच्छी है, बहुत अच्छी फिल्म है ओवरऑल। जी उनकी परफॉर्मेंस कैसी? बहुत अच्छी है, बेटर, मतलब अच्छी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। आज हाँ देखिए हर चीज़। कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 4.5 दे दूँगा। सर आप बताइए आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करें तो आलिया और वेदांग पहली बार एक साथ नज़र आ रहे हैं, वो परफॉर्मेंस उनकी कैसी है? बहुत अच्छी मैम, दोनों की बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, भाई बहन का रिश्ता बहुत वेरी गुड। ऐसा लगा कि फिल्म बोरिंग लगी कहीं? ऐसा कुछ नहीं, एंगेजिंग है फिल्म पूरी पूरी, फर्स्ट हाफ भी सेकंड हाफ भी। सर कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 4.5। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। सर कैसी लगी? अच्छी थी काजी ग्रह, काफ़ी अच्छी फिल्म थी, जो एक्सपेक्टेड था उससे तो काफ़ी अच्छा था। अच्छा, तो स्टोरी लाइन अच्छी थी, लाइक जो हमने ट्रेलर में देखा कि एक बहन भाई को प्रोटेक्ट करती है, अच्छा, तो वही उसी के ऊपर आलिया भट्ट की फर्स्ट फुल ऑन एक्शन पैक फिल्म है। वेदांग की अगर फर्स्ट फिल्म की बात करें तो आर्ची, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, बट उनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं मिला, तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छा स्क्रीन टाइम मिला और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया उसने। अच्छा था, लाइक जो टाइटल सॉन्ग था वो अच्छा था, और जो फूलों का तारों का सबका कहना है वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा था। फोर। थैंक यू मैम। कैसी लगी जिगरा? बहुत अच्छी फिल्म है, नया कॉन्सेप्ट है तो मुझे बहुत अच्छी लगी। सर फिल्म में पहली बार आलिया और वेदांग नजर आ रहे हैं, उनकी दोनों की परफॉर्मेंस आलिया और वेदांग की परफॉर्मेंस की बात करें तो यस, तो मैंने जैसा कि कहा बहुत यूनिक है, बहन भाई को प्रोटेक्ट करती हुई नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा एक्शन मूड में दिखाई दे रही है, सो मुझे उन दोनों की जो बॉन्डिंग थी एक भाई बहन की बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगी और ऐसा लग रहा था सच में रियल लाइफ में वो दोनों भाई बहन हैं। या बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि अमिताभ बच्चन आ गए हैं। अब बोरिंग थोड़ा स्टार्टिंग से थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लगता है कि यस कहानी क्या है जिनको नहीं पता है, बट यस मुझे ये मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे ट्रेलर और जिस तरीके से उन लोगों ने मार्केटिंग किया था तो मुझे अच्छा लगा था, पहले से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता था, सो दैट्स व्हाई मुझे सॉन्ग अच्छे हैं। I think it was a mind-blowing film. It was amazing. It was very engaging. I love Alia Bhatt personally, so I had to love the film. It's very amazing, very engaging. It will like keep you on your toes all the damn time. So I think it was very good. मैं फिल्म की बात करूँ तो आलिया वेदांग एक साथ नज़र आ रहे थे, भाई बहन की केमिस्ट्री देखने को मिल रही थी, कैसा लगा? आई थिंक इट वॉज अमेजिंग केमिस्ट्री। आई डोंट थिंक सो कि it would have been a better role for Vedang and Alia in the movie. They cast it perfectly, like you, if you see them they actually look like brother and sister, so I think the chemistry was amazing. According to you, audience ko ye film kyun dekhni chahiye? I feel like it is a great message. It's like they are overcoming the patriarchy ki bhai hi behan ki raksha karta hai, aisa hamesha nahi hota. If you are an elder sister to you would know, you will go any limits to protect your brother. So I think it's a very mind-blowing movie. Film ki kaun si part sabse achhi lagi? I think like second part was very engaging because it was a lot of songs and everything. So it was very amazing. I like second part more. Ma'am, kitni rating dena chahenge 5 aapko? I think 4.5. Okay, thank you so much. Thank you. Sir, kaisi lagi jigra? पिक्चर अच्छी नहीं लगी। बुमराह पिक्चर पहले बनी थी संजय दत्त, श्रीदेवी, अनुपम खेर का, उसका कॉपी करने गए लेकिन उसमें ग्रीप थी, इसमें तो नाटक है सिर्फ, कुछ भी नहीं है पिक्चर। सर आलिया एक्शन करते हुए नजर आए थी? आलिया का ठीक है एक्शन अच्छा लगता है लेकिन वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है।
रियलिस्टिक नहीं लगता। सर पहली बार वेदांग और आले एक साथ नजर आए थे, भाई बहन की केमिस्ट्री दिखाई गई थी, हाउ इज इट? वो ठीक है, वो ठीक है। क्या सर वीक क्या लगा आपको फुल पूरी मूवी में? स्टोरी आपको वीक लगी? नहीं नहीं, ये कोई स्टोरी नहीं है। जेल को तोड़ दो ने ले आ, भाई बहन को ले आए ना। सर अगर फिल्म की बात करें तो डायरेक्शन कैसा लगा? डायरेक्शन वो बनाया है वैसा, कुछ दम नहीं है पिक्चर में। मेन अगर आपका स्टोरी में दम नहीं हो तो डायरेक्टर क्या करेगा। सॉन्ग कैसा लगा आपको? सॉन्ग बैकग्राउंड म्यूजिक बेकार है, कुछ भी नहीं है। सर कितने रेटिंग देना चाहेंगे? रेटिंग 2 बहुत हो गए भाई इसके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर फिल्म की स्टोरी लाइन कैसी लगी आपको? स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, बहुत ही कमाल है। डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। आलिया का कमाल है, वेदांग तो अच्छा एक्टर है ही, बट आलिया की ये जो फिल्म है मैं आपको बताऊँ मेरे को बहुत अच्छी लगी। इससे पहले मैंने बहुत कम फिल्में देखी है, लास्ट मुझे याद नहीं मैंने कौन सी फिल्में देखी उनकी, बट स्पेशली इनकी ये वाली फिल्म देखने के लिए मैं सुबह 10:30 बजे अपने दोस्तों के साथ आया। सर फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो पहली बार दोनों साथ में नजर आए भाई बहन के किरदार में, वो उन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी लगी ऑन स्क्रीन? देखो आलिया की परफॉर्मेंस का कोई बात ही नहीं कर सकते इस फिल्म के बारे में हम लोग, तो अलग ही एक अलग लेवल पे है। बट वेदांग का बहुत अच्छा है, मैं वेदांग की पहली फिल्म देखा हूँ, शायद उसकी दूसरी फिल्म है बट मैं उसकी पहली फिल्म देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत कमाल का एक्टर लगा, काफ़ी हैंडसम भी है। वेदांग की बात करते तो इसमें उन्होंने गाना भी गाया है, गाना बहुत कमाल का उनका। आलिया भट्ट का तो गाती अच्छा है बट वेदांग का मैं पहली बार सुना हूँ, तो उनका तो कमाल है। सॉन्ग कैसे लगे आपको? मुझे पूरी फिल्म अच्छी लगी, सॉन्ग तो आप छोड़ दीजिए, मुझे तो सेकेंड हाफ तो बहुत बहुत ही कमाल का। सर अगर फिल्म की बात करें तो कहीं ऐसा लगा कहीं बोरिंग लगा? कुछ बोरिंग नहीं लगा, मैं तो चाह रहा था और थोड़ा बढ़ जाए तो, लेकिन ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं अभी तो। सर अच्छा कितनी रेटिंग देना चाहेंगे 5 आउट ऑफ़? मैं तो सबको 5 ही दे रहा हूँ, मैं कम नहीं दे सकता। थैंक यू।